फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दो किस्म के समोसे, तो चलिए जल्दी से शेयर करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू समोसे और कीवी के समोसे। तो सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर दिया है, अच्छी तरीके से ये बॉईल हो चुके हैं और इनके जो छिलके हैं वो हम निकाल देंगे और इस आलू को अच्छी तरीके से हम मैश कर देंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ ही लाल मिर्च, हल्दी, नमक और फिर से थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी हुई धनिया और सुमर भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये होममेड मसाला हमने बनाया है। इंशाल्लाह इसकी भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। और अब हम आलू के समोसों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम एक पट्टी ले लेंगे समोसे की और इसे इस तरीके से शेप दे देंगे, जिससे समोसों की शेप होती है इस तरीके से कर देंगे। और जो आलू की स्टफिंग है वो उसमें हम शामिल कर देंगे और इसे समोसे की शेप दे देंगे। थोड़ा सा लेप भी लगा देंगे हम इसे, जिससे कि ये परफेक्ट अच्छी तरीके से बंद हो जाए। तो इसी तरीके से हम सारे समोसे बना लेंगे। तो अभी हम चलते हैं कीमे की तैयारी करते हैं। उसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। हम पैन ले लेंगे, उसमें ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हम कीमा भी शामिल कर देंगे और प्याज, और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कीमे को, जिससे जो कीमे की स्मेल है वो चली जाए। साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और कुछ मसाले भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे कुछ मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके भी समोसे बना लेंगे और फ्राई कर देंगे। आप लोग को आगे हम दिखा देंगे कि हमने कैसे फ्राई किए हैं। बहुत ही मज़े के थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली ये मैंने रमज़ान के लिए वीडियो बनाया है, तो ये आप लोग रमज़ान में अक्सर लोग समोसे पकोड़े बनाकर खाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी इसे शेयर कर दूँगी। और थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। शामिल करने के बाद हम इसे कुछ मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे और इसी तरीके से जो हमारे कीमे की स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसे में थोड़ा सा चाट मसाला भी हम शामिल कर देंगे। चाट मसाला बहुत अच्छा होता है, हम ज़्यादातर शान का चाट मसाला यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होता है। तो इसी तरीके से ये जो हमारी स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब हम कीमे के समोसे बनाने की तैयारी कर लेंगे। उसी तरीके से आप लोग को करना है सब कुछ। और इसके अंदर हम कीमा डाल देंगे और इसे भी इसी तरीके से शेप दे देंगे, जैसे समोसों की शेप होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इसे फ्राई कर देते हैं। यहाँ पर ऑयल हमने पहले से रख दिया था गरम करने के लिए और अब यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, तो हम सारे समोसे इसमें शामिल कर देंगे और इसे फ्राई कर देंगे। बहुत ही मज़े के बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग को आज की रेसिपी कैसी लगी मेरी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरी चैनल में न्यू है तो जाइए सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जैसे मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग के पास पहले पहुंच जाए। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है रमज़ान की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।